हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कूल इंडिया लिमिटेड में जो है इंजीनियर के लिए जो है वैकेंसी आया है। सिविल में जो है टोटल वैकेंसी है 68 पोस्ट है। इसमें जनरल यूआर में 22 है, ईडब्ल्यूएस में जो है 7 पोस्ट है, एससी में 14 है, एसटी में 6 है और ओबीसी में जो है 19 है। मैकेनिकल में जो है 258 पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल में जो है 218 है और माइनिंग में 288 है। इंजीनियरिंग पोस्ट के लिए जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है माइनिंग, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल के लिए जो है वो है बीई, बीटेक, बीएससी इंजीनियरिंग इन रेलिवेंट ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग विथ मिनिमम जो है 60% मार्क्स जो है इंजीनियरिंग में होना चाहिए, वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स है। ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ एप्लीकेशन जो है 21 दिसंबर 2019 से 10 एएम से स्टार्ट होगा। लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशंस विथ फी जो है 19 जनवरी जो है 2020 है 11 PM तक। टेंटेटिव डेट्स ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट का डेट है थर्सडे 27 फरवरी 2020 एंड फ्राइडे 28 फरवरी। सिलेक्शन प्रोसेस जो है ये कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। इसमें जो है पेपर वन और पेपर टू होगा। द ड्यूरेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट विल बी फॉर 3 आवर इन वन सिटिंग, कंसिस्टिंग ऑफ टू पेपर होगा, पेपर वन एंड पेपर टू ऑफ 100 मार्क्स ईच। पेपर वन जो है वो होगा कंसिस्ट जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड जनरल इंग्लिश से जो है 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा पेपर वन में। और पेपर टू जो है ये प्रोफेशनल नॉलेज होगा, सिविल के लिए सिविल से आएगा, मैकेनिकल के लिए मैकेनिकल से आएगा। 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा इन ईच पेपर। ईच क्वेश्चन विल कैरी 1 मार्क्स एंड देयर इज नो पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर, माइनस मार्किंग नहीं होगा इसमें। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो है ये जो 3 टाइम्स जो है कैंडिडेट को बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और क्वालिफाइंग मार्क्स इन कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट में जो जनरल के लिए 40 मार्क्स इन ईच पेपर जो है 40% से कम नहीं आना चाहिए। ओबीसी के लिए जो है 35% है, एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए जो है 30% मार्क्स है। उसके बाद इंटरव्यू होगा, ये इंटरव्यू जो है पर्सनल इंटरव्यू विल बी ऑफ 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का इंटरव्यू होगा। उसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो है फॉर्म भरने का 1000 रुपीज़ लगेगा। उसके बाद एज लिमिट जो है, एज लिमिट 30 ईयर्स जो है 1/4/2020, 30 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए यूआर और ईडब्ल्यूएस के लिए। और ओबीसी के लिए जो है 3 ईयर छूट मिलेगा, एसटी एससी के लिए 5 ईयर का जो है छूट है।